मन में थोड़ा पीछे कर भीड़ का रेट नहीं पूछता हमारे पास हम ऐसा करेंगे जो यहाँ आने चाहे उनको यहाँ जितने भी जम्मू के सिलेक्टेड होंगे उनको देखिएगा पिछले कुछ टाइम में काफ़ी इनिशिएटिव एग्रीकल्चर हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से लिए गए हैं फार्मर्स की इनकम दुगना करने के लिए, और उसी की कड़ी में पहले हमारे हीरानगर में भी एक पशुधन मेला लगाया गया था और आज लखनपुर में एक ये पशुधन मेला लगाया जा रहा है और इसको एक रेगुलर फीचर बनाया जाएगा जिसमें हमारे यहाँ पर रेगुलर ये पशुधन मेले लगाए जाएंगे। और इससे डेयरी, क्योंकि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सर के मार्गदर्शन में हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर हैं उनकी ये डायरेक्शन है कि हमने नेक्स्ट ईयर तक अपने जम्मू एंड कश्मीर को सरप्लस बनाना है मिल्क प्रोडक्शन में। अभी हम इंपोर्ट करते हैं मिल्क अपने नियरेस्ट स्टेट से, पर हमने सरप्लस बनाना है और उसके लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। और इसके लिए मैं हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट को ही चुना ये जो रेगुलर पशुधन मेला लगाने के लिए। और इससे जो है हमारे यहाँ पर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भी इम्प्रूवमेंट होगा जो ब्रीड में और डेयरी प्रोडक्शन में, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक बेनिफिट भी यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगा। हमारे जिला कठुआ का एरिया काफ़ी ज़्यादा है, फोर्थ रैंक एरिया भी है, क्या उन इलाकों में भी इस तरह के मेलों का आयोजन किया जाएगा? देखिएगा इसके जो मेले हैं वो सेंट्रल प्लेस पर ही लगाए जाते हैं और इसका यही मकसद है कि अभी तक हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी इस टाइप का मेला नहीं होता था। इस साल पहला मेला नगरी में कराया गया जो कि एक इंट्रोडक्टरी था, और उसके बाद जो मेजर मेला जो पहला हुआ वो हीरानगर में कराया गया, और अब ये लखनपुर में इसको एक रेगुलर फीचर बनाया जा रहा है सो दैट एक ही जगह पर रहे जिसमें लोगों को पता भी हो कि इस दिन यहाँ पर जो है वो मेला होता है। तो एक सेंट्रल लोकेशन ही इसकी रखी जाएगी, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम इसको बार बार रोटेट करेंगे तो फिर से किसान को वही प्रॉब्लम आएगी कि उसको जाना कहाँ पर है, कहाँ पर अप्रोच करना है, उसको वो जानकारी नहीं हो पाएगी। जो आप जम्मू कश्मीर के हमारे जो इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम है जो हमारे गवर्नमेंट ने माननीय एलजी साहब ने और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की जो है ब्रेन चाइल्ड है वो इसमें हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो भी किसान हैं जो ख़रीदना चाहते हैं जानवरों को, उनको जो है वो पंजाब तक जाना पड़ता था, ये तकरीबन 150-200 किलोमीटर का जो है वो एडिशनल उनको जो है बर्न पड़ता था। इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो भी पंजाब के और साइड के हमारे जो हरियाणा के जो भी बेस्ट डीलर्स होंगे उनको हमने यहाँ पर लखनपुर में एज अ मंडी जो है एस्टेब्लिश किया है। ये अब हर हफ्ते जो है वो इस रविवार को या फिर हर हफ्ते जो है मेला भी होने वाला है पहले रविवार को, तो उसमें जो है वो ये जानवर रखे जाएंगे। आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी किस्म के जानवर आए हुए हैं और जो भी जानवर तकरीबन आज 400-500 के आसपास जानवर इसमें शरीक हुए हैं, तो उसमें से भी तकरीबन 250-300 जानवरों का ऑलरेडी जो है वो खरोद फरोद इनकी हो चुकी है। तो मैं आपके माध्यम से हमारे सारे किसान भाइयों को अपील करना चाहता हूँ कि इस मेले का जो है हर संडे को लाभ लें।